तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी या बोल सकते हैं एंड्रॉयड की ऐसी 10 सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने मोबाइल में ऑफ करके रखना चाहिए। कहाँ ये मिलेंगी, कैसे इसको ऑफ करेंगे, आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा देना ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो यहाँ पर जो सबसे पहले सेटिंग बताने वाला हूँ जिसको आपको अपने मोबाइल में ऑफ करना है सैमसंग गैलेक्सी में, वो है नोटिफिकेशन को लेके। तो यहाँ पर मैं आपको अपने स्क्रीन को रिकॉर्ड लगा के दिखा रहा हूँ जिससे आप इजीली वहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद आप नीचे की तरफ आएंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा नोटिफिकेशन का, आपको दिख रहा होगा। आपको उस नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाना है। नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप नीचे की यहाँ पर जो मोर का ऑप्शन दिख रहा है आपको उस मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इतनी सारी एक्टिविटी यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर आपको मोस्ट रिसेंट की जगह मोस्ट फ्रिक्वेंट पे जाके क्लिक करना है। तो अब देखेंगे आपको कौन सी ऐप कितना आपके नोटिफिकेशन भेज रही है। लाइक व्हाट्सएप 214 पर डे नोटिफिकेशन भेजता है, सैमसंग इंटरनेट मुझे 117 पर डे भेजता है, कॉल स्पॉसी। अब इसमें आपको क्या करना है, वाली ऐप की नोटिफिकेशन बंद करनी है जिसको आप देखना नहीं चाहते जो फालतू की हैं, तो आपको उस पर क्लिक कर दो। या फिर उसके अंदर जाके भी आप वहाँ पर कोई कैटेगरीज हो, लाइक ये ट्विटर की है तो आप यहाँ ट्विटर पे गए, यहाँ पर अंदर क्लिक करेंगे तो कौन कौन सी उसमें नोटिफिकेशन आती है, तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन कैटेगरीज में भी जाके इसका बंद कर सकते हैं कि कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको शो करे और कौन कौन सी नहीं शो करे। और जो कुछ ऐसी फालतू की ऐप्स है जो लगता है यार ये फालतू की भेजी जा रही, तो आप उसको यहाँ से ऑफ कर दें, जिससे क्या होगा आपके मोबाइल का जो काफ़ी हद तक बैटरी यहाँ पर सेव होगी। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन वाली इन सबको ऑफ करना है। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड जो सेटिंग है जिसको आपको ऑफ करना है वो है मोशन स्मूथनेस। तो उसके लिए भी वापस आपको अपने गैलेक्सी की सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको जाना है डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे। डिस्प्ले पे जाने के बाद यहाँ नीचे की तरफ आएंगे, आपको मिलेगा मोशन स्मूथनेस। ये बाय डिफॉल्ट हाइट में रहता है, आपको इसको कर देना है स्टैंडर्ड पे। स्टैंडर्ड पे करने से आपके दो फायदे होंगे, एक तो आपका मोबाइल की जो स्पीड है हो सकता है थोड़ी सी आपको लगे कि एनिमेशन थोड़े से इश्यूज हैं, बट यहाँ पर आपकी बैटरी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, तो आपको इसको स्टैंडर्ड पे करके रखना है। उसके बाद दोस्तों थर्ड जो बताने वाला हूँ वो है इसका स्क्रीन मोड को लेके। आपको स्क्रीन मोड में क्या करना है, इसी के नीचे आएंगे मोशन स्मूथनेस के, आपको मिलेगा स्क्रीन मोड, इसको आपको नेचुरल पे करना है। ये विविड में अच्छे कलर मिलते हैं, हाइलाइट्स कलर होते हैं, बट वही बैटरी का इशू रहता है, तो आप इसको नेचुरल में यूज़ करेंगे तो नेचुरल कलर देखेंगे आपको सबसे बड़ी बात, और आपके मोबाइल की बैटरी भी यहाँ पर सेव होगी। तो आपको ये दो तीन चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ बताने वाला हूँ उसी के लिए आपको डिस्प्ले की अनसेटिंग में जाना है, और नीचे की तरफ आएंगे आपको मिलेगा स्क्रीन टाइम ऑफ का ऑप्शन। तो आपको स्क्रीन टाइम आउट मेरे हिसाब से कम में रखना चाहिए, बाय डिफॉल्ट 30 सेकंड आता है, आपको 15 सेकंड कर देना चाहिए कि जितनी जल्दी आपका मोबाइल लॉक होगा उतनी जल्दी आपकी बैटरी भी बचेगी। तो ये यहाँ पर आपको फोर सेटिंग करनी है। ये जो मैं सेटिंग्स बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स बता रहा हूँ, और ये बहुत यूजफुल है, ये हर आदमी को अपने मोबाइल में करनी चाहिए। हो सकता है इसमें से कुछ आपको पता हो, आप बोलें क्या पागलबंदी कर रहा है, बट ये बहुत काम की चीज़ है यार भाई। ये छोटी छोटी जो है ना सेटिंग्स आगे जाके बड़ा काम करती हैं। तो फोर्थ ये हो गई। उसके बाद दोस्तों फिफ्थ जो करना है उसी के नीचे आएंगे आप, यहाँ पर आपको मिलेगा एज पैनल। एज पैनल आपका बहुत यूजफुल होता है, अगर आप इसको यूज़ नहीं करते ये फालतू का भी काम आता है, जैसे मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट ये जब भी अपन इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे एक हल्का सा वाइब्रेट होता है तो ये बैटरी भी खाता है और अननेसेसरी की प्रोसेस भी खाता है। तो अगर आप इसको यूज़ नहीं करते तो आपको इसको यहाँ पर बंद करके रखना है। तो ये यहाँ पर आपको फिफ्थ सेटिंग कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों जो सिक्स्थ बताने वाला हूँ उसके लिए आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जाना है यहाँ पर होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आपको मिल रहा होगा यहाँ पर एड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करना है। ये क्या काम करता है, जैसे कि आप होम स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पर जैसे कि लेफ्ट ट्रैक करते हैं तो आप देख रहे होंगे ये फालतू की नोटिफिकेशंस आती हैं, ये आपको न्यू बताता रहता है, तो ये आपकी फालतू की बैटरी भी खाता है और बैकग्राउंड में प्रोसेस करता रहता है। तो आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पे जाके इसको ऑफ कर देना है, एड मीडिया टू होम पेज। तो आपको सिक्स सेटिंग यही करनी है।
उसके बाद दोस्तों जो 207 जो सेटिंग करनी है उसके लिए वापस आपको यहाँ पर सेटिंग पे आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे। बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी पे जाने के बाद आपको नीचे मिलेगा फाइंड माय मोबाइल करके, आपको उस पर जाना है। वहां पर जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहला नीचे ऑप्शन मिला हुआ है ऑफलाइन फाइंडिंग, आपको इसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, आप ऑफलाइन अपने मोबाइल को ट्रैक कर पाओगे, तो इसको यहाँ पर आपको ऑन करके रखना है। उसके बाद दोस्तों जो ऐड सेटिंग करनी है उसके लिए आपको वापस बैक आना है सेटिंग पे। सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पर जाना है आपको ऊपर की तरफ, यहाँ मिलेगा आपको बैटरी एंड डिवाइस केयर वाला ऑप्शन, उस पर जाना है। उस पर जाने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे, सबसे लास्ट में आपको मिलेगा यहाँ पर डिवाइस प्रोटेक्शन का ऑप्शन, आपको इसको ऑन कर लेना है। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है तो सब आपको इसको ऑन कर लेना है, ये बहुत काम का रहता है तो उसको आपको ऑन कर लेना है। एट सेटिंग आपको यही करनी है। उस जो 9 सेटिंग बताने वाला हूँ दोस्तों, उसके लिए वापस आपको बायोमेट्रिक एंड डिवाइस केयर में जाना होगा। यहाँ पर जाना है बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ मिलेगा अदर्स, यहाँ पर मिलेगा आपको इंस्टॉल अननोन ऐप्स, तो आपको इसको ऑफ करके रखना है। मतलब जिन जिन ऐप को भी आपको परमिशन दे रखी है आपको सब परमिशन को यहाँ पर डिनाई कर देना है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपके पास कोई भी फालतू की ऐप इंस्टॉल ना हो सके। तो 9 सेटिंग ये करनी है। और जो जो लास्ट बताने वाला हूँ दोस्तों, उसके लिए भी वापस आपको बायोमेट्रिक सिक्योरिटी में जाना है। वहाँ जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको अदर सिक्योरिटी सेटिंग पे जाना है। वहाँ पर आपको मिलेगा फर्स्ट नंबर पे मेक पासवर्ड विजिबल, आपको इसको ऑफ करके रखना है ताकि जब भी आप कोई पासवर्ड एंटर करें वो किसी को करेक्टर दिखे नहीं। जैसे कि मान लो अगर मैं लॉक करके यहाँ डालूंगा तो वो पासवर्ड कोई विजिबल ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या रहता है, वो पासवर्ड वहाँ पर दिखते हैं, चाहे आप कितना भी करेक्टर डालाओ तो वो तो शो होता है, तो ये भी आपको ऑफ करके रखना है। दोस्तों ये 10 मैंने सेटिंग बताई जो कि बहुत यूजफुल है मेरे को लगता है, इसलिए मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लगता है सो मेरी कुछ कमी है तो वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पे DM करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो और हो सके तो यार मुझे फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।